Assalamualaikum students, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed exercise 7.2 जिसमें हम question number 1 को देख चुके थे. I start करते हैं question number 2 से. Question number 2 में देखिए, fill in the boxes to write equivalent fraction. इसमें आपको box बने हुए हैं question में, उन box को fill करना है किस तरीके से equivalent fraction बने. जैसे पहला आपका 5/100, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है. कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया गया है? 3 से मल्टीप्लाई किया है. न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और डिनोमिनेटर में भी आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया है. जब न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 आपका 15 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 3 आपका 24 हो जाएगा. ये आपका आंसर आ जाएगा 15/24. ये क्या है? 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी में हमारा 27/63 ये हमारा फ्रैक्शन है. इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट बनाना है किस तरीके से? अब इसमें आपका डिवाइड होगा तो डिवाइड करकर आपको इक्विवेलेंट बनाना है. तो 27 को हमें 9 से डिवाइड करना है. तो जब 27 को 9 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं? 9 का टेबल पढ़ते हैं. 9 × 9, 9 × 18, 9 × 27. तो 3 × 27 आ रहा है. इसका मतलब इसका क्या न्यूमरेटर आपका आ जाएगा 3. 27 को 9 से डिवाइड करने पर न्यूमरेटर आपका 3 आएगा. अब डिनोमिनेटर को देखते हैं. डिनोमिनेटर में भी 63 को डिवाइड किया जा रहा है 9 से. इसमें भी 9 का टेबल आप लेंगे. 9 × 9, 9 × 18, 9 × 27, 9 × 36, 9 × 45 और 9 × 54, 9 × 63. तो 7 का 63 आ रहा है. इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 7. तो ये 27/63 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 3/7. इसे नोट डाउन कर लीजिए. देखिए इसमें दो चीजें बताई गई. सबसे पहली चीज ये है, हम सीखते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? या मल्टीप्लाई करते हैं या दूसरा तरीका क्या है? डिवाइड करते हैं. तो दो तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन को बनाए जाते हैं. सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या दूसरा आप क्या कर सकते हैं? उस फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. दूसरी चीज क्या है? जो भी मल्टीप्लाई हम करते हैं वो न्यूमरेटर में भी करते हैं, वही डिनोमिनेटर में भी करते हैं. इसी तरीके से जो भी हम डिवाइड करते हैं वो न्यूमरेटर में भी होता है और डिनोमिनेटर में भी होता है. सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और सेम नंबर से डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है. तो इस चीज को आप याद रखेंगे जब भी किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है. फाइंड फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसमें आपको क्या पता करना है? 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने हैं और द फॉलोइंग फ्रैक्शन. ए में दिया हुआ है 1/3, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे क्या? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है. 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में. अब क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 अभी सीखे हैं 2 हो जाएगा और उसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 2 हमारा 6 हो जाएगा. तो यह आ चुका है 2/6 पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब हमें निकालना है दूसरा. तो दूसरा निकालने के लिए 1/3 1/3 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 से ऊपर और 3 से नीचे. ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा. 3/9 हो जाएगा. तो ये आपका आ गया सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब आते हैं तीसरे की तरफ.
तो तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बनाना है। तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, अब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से न्यूमरेटर में और फोर से डिनोमिनेटर में, वन फोर द फोर, थ्री फोर द ट्वेल्व। तो ये आपके तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन चुके हैं। तो आंसर लिख देंगे फर्स्ट थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप पहला क्या आया हुआ है 2/6, दूसरा क्या आया हुआ है 3/9 और तीसरा क्या आया हुआ है आपका 4/12। तो ये आपके तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इसे। आगे आगे इसमें एक और क्वेश्चन को करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं 7/9। जी देखते हैं 7/9 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से लिखते हैं, अगले स्टेप में क्या किया 7/9 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई हमें पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए 2 से न्यूमरेटर और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या हो जाएगा 7/14 और 9/15। ये पहला आपका आंसर है। अब सेकंड फाइंड आउट करते हैं। सेकंड फाइंड आउट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। 7/21 और 9/27 ये आपका सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा फाइंड आउट करने के लिए अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से न्यूमरेटर और 4 से डिनोमिनेटर, 7/28, 9/36 ये आपके तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। इसमें भी लिखते हैं कि फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप पहला 14/18, दूसरा 21/20, 7/1 तीसरा 38/36 आ जाएगा। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने हैं किसके, 5/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए ताकि इसके न्यूमरेटर में 25 आ जाए। तो 5/8 है इक्वल टू 5/8। अब इसमें कहा क्या है, इसका न्यूमरेटर कितना होना जाना चाहिए 25, न्यूमरेटर में कितना आना चाहिए 25, तो कैसे से मल्टीप्लाई करने पर 25 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब न्यूमरेटर इसका 25 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी हमें 5 से करना पड़ेगा तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 8/5/40, तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 25/40। इसमें बी को देखते हैं, बी में क्या है हमारा 5/8। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर 64 होना चाहिए, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, इसको हमें क्या बनाना है 64 बनाना है। तो बताइए 8 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 64 हो जाएगा, तो हम जानते हैं 8 8 10 64 होता है, इसमें हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो न्यूमरेटर में भी ऐड से करेंगे 500 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 40/60। इसी तरह से इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। तो क्लास का हम लोग खत्म कर रहे हैं, पर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।